होएगा, ठीक। सीरीज और पैरेलल के अंदर आपको क्या करना है, कई बुक्स बैटरी में ये भी करती हैं, जैसे ये प्लस और माइनस है ना, ये V1 V2 करती हैं, ज्यादातर बुक्स ये करती हैं, ध्यान से देखना। वो कहती हैं पोटेंशियल डिफरेंस V है दो टर्मिनल्स के बीच में, अब V को लिखा जा सकता है V1 माइनस V2, या वो क्या करती हैं पॉजिटिव टर्मिनल को तो V वोल्ट पे ले लेती हैं और नेगेटिव को बोलती हैं 0 वोल्ट पे है, सच दैट V माइनस 0 क्या देगा आपको, या आपकी मर्जी है, आप चाहो तो V1 V2 कर लो। ज्यादातर बुक्स नेगेटिव पोटेंशियल को 0 पे मानती हैं, तो वो इसको V पे मानती हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली V ही रहता है, ठीक। मर्जी है आपकी, आप अगर नहीं चाहो तो V1 V2 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या आएगा, V ही आएगा, ठीक है यहां तक। अब जैसे तीन कैपेसिटर्स हैं, 1, 2 और 3 सीरीज में, सीरीज का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो सीरीज में कैपेसिटर्स लगा दिए और नीचे क्या लगा दी, बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है प्लस और माइनस के बीच में, इजी बनाने के लिए इसको मैंने 0 और V वोल्ट ले लिया ताकि डिफरेंस विल रिमेन V वोल्ट ओनली, ठीक है यहां तक। बैटरी के प्लस टर्मिनल ने क्या किया, पहला रूल ध्यान आ गए, ध्यान आ गए, बैटरी के प्लस टर्मिनल ने क्या किया, इस कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करके इसको दे दिया, तो यहां से कितना चार्ज निकाल दिया, प्लस क्यू कर दिया, पर यहां पर कोने पे क्या कर दिया, माइनस क्यू कर दिया, सेम जो भी दिखाया था प्लस क्यू माइनस क्यू। तो कोनों की प्लेट्स का समझ में आ रहा है, बैटरी अपनी जेब से कोई चार्ज नहीं देने वाली, जितनी बैटरी कर सकती है प्लस टर्मिनल, डिपेंड करेगा, ये तो प्लस पे डिपेंड है, कमजोर है तो कैसे जाएंगे, स्ट्रांग है तो खींच लेगा, ठीक। पॉइंट समझ में आया यहां तक, कुछ भी वेरिएबल क्यू चार्ज है तो कोई बात नहीं, तो क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू, समझ में आया। अब क्यू चार्ज की प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट है खाली पड़ी हुई है, इंडक्शन हो जाएगी, इंडक्शन इस प्लेट, ये प्लेट कंडक्टिंग वायर के साथ, इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, इस पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे दिए, एक्सेस हो गया, इंडक्शन हो गई माइनस, और यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी प्लस, आपस में है तो कनेक्टेड ही ना, तो पीछे के सारे इलेक्ट्रॉन छीन के यहां इकट्ठे हो गए, तो प्लस क्यू माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, फिर इंडक्शन हो गई, खाली प्लेट थी, ये सब कनेक्टेड है, कंडक्टर एक ही कंडक्टर है सारा, तो इस प्लस ने इसके इलेक्ट्रॉन छीन के यहां ला, इंडक्शन डेफिशिएंसी। तो देखो क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, तो चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे क्या स्टोर होगा, एग्जैक्टली सेम। तो ये बोला जाता है सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम। मैंने गलती से डायग्राम में कैपिटल क्यू है, यहां स्मॉल क्यू कन्वेंशन यूज कर ली, इसको छोटा क्यू कर लो इसे प्लीज, ये सब छोटे क्यू हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक। तो ये मैंने चार्ज डेवलप किया। अब इधर देखो V के बारे में, ये बुक्स में नहीं लिखा प्लीज, बुक्स तो सीधा ये देखो, ये बुक का डायग्राम है, V1 V2 V3 काम खत्म। देखो असली में क्या होता है, अगर ये V वोल्ट है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये V वोल्ट पे है, ठीक। अगर ये 0 वोल्ट है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं तो ये 0 वोल्ट पे है। मान लो ये V डैश वोल्ट पे है, अब क्योंकि ये कंडक्टर से के साथ कनेक्टेड है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये V डैश है, तो ये भी V डैश है। और अगर ये V डबल डैश है, तो इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं तो V डबल डैश और V डबल डैश है। तो फर्स्ट कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस V डैश, मान लो इसको किससे रिप्रेजेंट किया, V1। दूसरे में V डैश माइनस V डबल डैश, मान लो किससे रिप्रेजेंट किया, V2। तीसरे में V डबल डैश माइनस 0, तो किससे रिप्रेजेंट किया, V3। तो V1 इज V माइनस V डैश, V2 इज V डैश माइनस V डबल डैश, V3 इज V डबल डैश माइनस 0। लेकिन जब मैंने इन्हें ऐड किया तो V क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, सेम चीज आ गई। तो मतलब बुक सीधा लिखती है V इज V1 प्लस V2 प्लस V3, पर एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जो भी इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनको अगर आप ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वो V के इक्वल ही आंसर आने वाला है। तो हमने सीरीज में क्या सीखा कि चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम।
लेकिन V डिवाइड हो जाएगा V1 प्लस V2 और V3। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज Q C1 into V1, सेकेंड पे Q C2 V2, थर्ड पे Q C3 V3। यहां से V1 क्या आएगा Q by C1, Q by C2, Q by C3। पर V किसके इक्वल है टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की जगह Q by C1, Q by C2, Q by C3। तो यहां से Q नीचे आ गया। अब मेरा काम क्या है इस टॉपिक में, मेरा काम यह है कि तीन कैपेसिटर की जगह मुझे एक टैंक लगाना है, एक स्टोरेज कैपेसिटी बनानी है जो एग्जैक्टली सेम काम करे जो तीन मिलके करते हैं। तो मैंने इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया, ये रहा, जिसका नाम है सी एस, जो क्या करेगा, ये तीन मिलके क्या करते हैं, क्यू चार्ज स्टोर करते हैं, ये भी क्या करेगा, क्यू चार्ज स्टोर करेगा। तो मैं इन तीनों की जगह जब एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाऊंगा तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू सी एस इंटू वी। तो यहां से V बाई क्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई सी एस। तो रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह 1 बाई सी एस, तो तीन की जगह एक कैपेसिटर लगाया जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला क्या फॉलो करेगा, 1 बाई सी एस इज 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। ये रूल याद रहेगा। तो सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज। चाहे 10 कैपेसिटर लगाओगे चार्ज सेम, लेकिन V सेम नहीं रहता, V डिवाइड हो जाता है V1, V2 एंड V3। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तीन कैपेसिटर्स हैं, ये एक सिर्फ 60 सेकंड का ही काम है, ज्यादा नहीं है। V एंड जीरो, ये वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, जहां जहां इसके एंड पॉइंट आएंगे V, V और V सेम, ये जीरो वोल्ट है तो जीरो 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 सेम। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो, इसका भी V माइनस जीरो, V माइनस जीरो, V माइनस जीरो। तो बैटरी जब पैरेलल कैपेसिटर्स के साथ कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सभी कैपेसिटर्स में रहेगी सेम। सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में V सेम, लेकिन चार्ज सेम नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर के लिए Q का ये फॉर्मूला, V सबके लिए क्या रहेगा सेम, लेकिन कैपेसिटेंस सबकी क्या है डिफरेंट, C1 C2। तो चार्ज की वैल्यू भी क्या रहेगी इसमें डिफरेंट। तो Q चार्ज डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 और Q3। तो इस बैटरी ने तीनों प्लेट्स के चार्जेस को निकाला, नेगेटिव को, और यहां पे दे दिया। तो एक तरफ डेफिशिएंसी कर दी और एक तरफ नेगेटिव कर दिया। पर क्योंकि सबकी कैपेसिटी डिफरेंट है तो सबका चार्ज भी डिफरेंट है। तो Q1 बाय इंडक्शन माइनस Q1, Q2 और Q3। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q1 है C1 V, C2 V, C3 V, V की वैल्यू पैरेलल में क्या रहती है सेम। तो Q किसके इक्वल है, टोटल चार्ज बैटरी ने कितना घुमाया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसकी जगह C1 V, C2 V, C3 V, V नीचे आ गया। मैं इन तीन कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं जिसका नाम CP, जो Q चार्ज स्टोर करे जो तीनों ने मिलकर किया था। तो Q इज इक्वल टू CP V, Q by V is equal to CP, CP। तो parallel combination का क्या formula आ गया, CP is equal to C1 plus C2 plus C3। कोई doubt इसमें?